वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदाय स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरेर नाम हरेर नामैव केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्याय गौरा हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बरसाने वाली की वृंदावन धाम की श्रीमद् भगवद गीता की तुलसी महारानी की श्रील गुरुदेव की श्रील प्रभुपाद की
समस्त भक्त वृंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास, लाडली श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास लाडली, श्री बरसानो बास, श्री वृंदावन वास लाडली, श्री बरसानो वास दीजो मोही, श्री वृंदावन वास लाडली, श्री वृंदावन वास। फेसबुक के माध्यम से एवं गूगल मीट ऐप के माध्यम से उपस्थित समस्त भक्त वृंद, वैष्णव वृंद, संत महात्मा एवं उपस्थित समस्त मातृमंडली का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं सपरिवार कुशल मंगल होंगे। यही आशा लेकर के आज हम लोग पुनः अपनी क्रमागत श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में पुनः उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग 105 दिनों से इस श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दसम अध्याय। दसम अध्याय को हम लोग श्रवण कर रहे हैं जिसका नाम है विभूति योग। विभूति योग को हम लोग श्रवण कर रहे हैं और विभूति योग के अध्याय से हम लोग 3 श्लोकों तक हम लोगों ने कल श्रवण कर लिया था। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्लोक नंबर 4 से। तो हम लोग एक बार पुनः थोड़ा सा पीछे के श्लोकों पर दृष्टिपात करते हुए पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था, भगवान अर्जुन से कहते हैं, यो मामज मनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ सर्व पापय प्रमुच्यते। सर्व पापय प्रमुच्यते, सारे पापों से वह मुक्त हो जाता है। जितने उसके जीवन में पाप हैं वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कब? जब कोई व्यक्ति भगवान के तत्व को जान लेता है। भगवान के किस तत्व को जान लेता है? भगवान के उस तत्व को। कौन सा तत्व? भगवान अजन्मा है, अनादि है और वह सर्वलोक महेश्वरम, वह सारे लोकों का महेश्वर है। यदि कोई व्यक्ति यह जान लेता है तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सारे पापों से मुक्त होने का मतलब यही है कि वह विमुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त होकर विमुक्त हो जाता है, विशेष प्रकार से मुक्ति, यानी वह भगवान के धाम चला जाता है, जहां जाने से पुनः वापस आना नहीं पड़ता है। तो कल हम लोगों ने इस श्लोक को श्रवण किया था और हम लोगों ने यह भी श्रवण किया था कि भगवान अजन्मा हैं, अनादि हैं, लेकिन दूसरे अध्याय में जीव को भी अजन्मा बताया गया है, क्योंकि जीव भगवान का ही अंश है। इसलिए यहाँ पे यदि कोई यह प्रश्न करता है कि भगवान यदि अजन्मा है तो फिर जन्म क्यों लिया, तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भागवत में ऐसा प्रमाण है, भागवत में कहा गया है कि भगवान जब वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए
तो उस समय भगवान चतुर्भुज रूप में थे, शंख चक्र गदा और पद्म सब कुछ उनके साथ था और वह केसों से सुसज्जित थे और उनके गले में वरमाला, गले में वैजंती माला और वस्त्र से विभूषित थे। इसलिए देवकी और वसुदेव के निवेदन करने पर भगवान बाल स्वरूप में हुए थे, अपने बाल स्वरूप में आए थे। इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अपने नित्य शरीर को लेकर के योग माया, योग माया के आप कह सकते हैं कि योग माया के द्वारा भगवान अपने नित्य शरीर में ही यहां अवतरित होते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेते हैं यानी जो वहां पे हैं वही यहां पे आ गए, अवतार यानी आ जाते हैं। तो भगवान की जो शरीर है, जैसे हम लोगों का परिवर्तनशील शरीर है, लेकिन भगवान का परिवर्तनशील शरीर नहीं है, क्योंकि भगवान का नित्य शरीर है। जो शरीर भगवान का गोलोक वृंदावन धाम में है वही शरीर लेकर के भगवान यहाँ पर आते हैं। तो आज हम लोग चौथे श्लोक से आगे श्रवण करेंगे। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमह समह सुखम दुखम भवो भावो भयंचा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यसः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधा। अन्वय, बुद्धि ही ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमह समह सुखम दुखम भवः अभावः भयम् च अभयम्, अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यसः अयसः भूतानाम पृथक विधा भावाः मत्तः एव भवन्ति। बुद्धि ही, बुद्धि यानी सूक्ष्म अर्थ को निश्चय करने की शक्ति जिसके अंदर होती है उसको बुद्धि कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थ को निश्चय करने की शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। तो बुद्धि ही ज्ञानम आत्म अनात्म विवेक, आत्म और अनात्म का जो विवेक करने वाला है उसी को ज्ञानम कहा जाता है। वही ज्ञान है जिसको आत्मा और अनात्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसके पास समझने का विवेक नहीं है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। असम्मोह व्याग्रता का अभाव, क्षमा सहिष्णुता, सत्यम सत्य वचन, दमह बाह्य इंद्रियों का संयम। दमह का मतलब होता है बाह्य इंद्रियों का संयम, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संयम करना। समह अंतःकरण का संयम। देखिए यहां पे दमह का मतलब होता है बाहर की इंद्रियों को दमन कर यानी वश में करना और संयम करना, और सम का मतलब होता है, समह का मतलब होता है कि जो अंदर, जो अंतःकरण का संयम है उसको करना। सुखम सुख, दुखम दुख, भव जन्म, अभाव मृत्यु। भव यानी जन्म, अभाव मृत्यु, भयम भय, च अभयम और अभय, अहिंसा समता तुष्टि संतोष, तपह वेदोक्त काय क्लेश, दानम दान, यसह अयस, यसह अयसह, यस और अपयस, भूतानाम प्राणियों के, पृथक विधा भावाः विभिन्न प्रकार के भाव, मत्तः एव मुझसे ही भवंती उत्पन्न होते हैं। कह रहे हैं
कि ये जितना कुछ भी बताया गया ये अलग अलग भाव हैं जीवों के, मनुष्यों के, ये जीवों के अलग अलग प्राणियों के भाव हैं, ये अलग अलग भाव हैं। और ये जितने भाव बताए गए यहां पे, वो सारे भाव कह रहे हैं मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये सारे भाव हमसे उत्पन्न होते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढ़ता, सहिष्णुता, सत्यवादिता, सम, दम, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, इन सब के आदि कारण भगवान ही हैं, ये सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान व्यक्तिगण, शास्त्रज्ञ व्यक्तिगण, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्रज्ञ व्यक्तिगण अपनी अपनी बुद्धि द्वारा मेरे तत्व को जानने में समर्थ है, जानने में असमर्थ है, समर्थ नहीं है वह, जानने में असमर्थ है वह, अपनी बुद्धि के द्वारा तत्व को जानने में असमर्थ है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, वह व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व को नहीं जान सकता। बिना भगवान के कृपा से वह भगवत तत्व को न तो जान सकता है और न तो बोल सकता है, वह जानने में असमर्थ है, क्योंकि बुद्धि आदि माया के सत्वगुण से उत्पन्न होने के कारण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये जो बुद्धि है, कह रहे हैं बुद्धि आदि माया के सत्वगुण से, माया के सत्वगुण से उत्पन्न होने के कारण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये बुद्धि जो है, बुद्धि भी भगवान से ही उत्पन्न होती है, इसीलिए तो भगवान बोले अहम बुद्धि योगम ददामि, हम बुद्धि देंगे, अगर हम कृपा करेंगे तो आप जान सकते हो। अपनी बुद्धि से बहुत कुछ नहीं जान सकते हैं आप, अपनी बुद्धि से कुछ लिमिटेड चीजें हैं, उन लिमिटेड चीजों को ही आप जान सकते हैं, वो भी भौतिक चीजों को, आध्यात्मिक चीज को आप नहीं समझ पाएंगे, आध्यात्मिक चीज को जान भी नहीं पाएंगे आप, आध्यात्मिक चीज को नहीं जान पाएंगे। तो ये जो बुद्धि है, कह रहे हैं बुद्धि ये मुझसे ही उत्पन्न होती है, तथापि गुणातीत मुझ में इसके स्वतः प्रवेश की योग्यता नहीं है। कह रहे हैं मैं गुणातीत हूं, मेरे अंदर यह बुद्धि जो आपकी है यह स्वतः प्रवेश करने की योग्यता इसके अंदर नहीं है, स्वतः प्रवेश करने की योग्यता नहीं। जैसे वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम के 84 कोस के रेंज में सखियों का पहरा है, श्रीमती राधा रानी का जब आदेश होता है तभी कोई भी व्यक्ति वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो बुद्धि है, बुद्धि भी जो गुणातीत भगवान है उनमें यह बुद्धि स्वतः प्रवेश करने की इसकी योग्यता नहीं है। यदि भगवान परमिशन देंगे तो वह प्रवेश कर सकती है, अन्यथा यह नहीं कर सकती। यहां पे कोई डिग्री नहीं चलती, यहां पे कोई सोर्स नहीं चलता, यहां पे केवल एक ही चीज चलती है, वह है भक्ति, केवल भक्ति। यदि कोई व्यक्ति भक्ति करे तो वहां पे कोई रोक टोक नहीं है, वहां पे प्रवेश बुद्धि कर जाती। इसीलिए तो कहा जाता है जो भक्त हैं, जो भक्त हैं, भक्त ही भगवत तत्व को जान सकते हैं, ज्ञानी भगवत तत्व को नहीं जान सकते, भगवत तत्व को नहीं जान सकते। तथापि गुणातीत मुझ में इसका स्वतः प्रवेश की योग्यता नहीं है, इसलिए कहते हैं बुद्धि अर्थात सूक्ष्मार्थ के निश्चय में समर्थ, ज्ञानम अर्थात आत्म अनात्म विवेक, आत्मा और अनात्मा का विवेक जिसके अंदर है उसी को ज्ञान कहा जाता है। आत्मा और अनात्मा को तो आज के लोग जानते ही नहीं, जानना भी नहीं चाहते, अरे ये सब फालतू की चीजें हैं, इसको क्या, इसको जानने से क्या मिलेगा, और फिर भी उसको बहुत टैलेंटेड, बहुत बुद्धिमान बोला जाता है, पता नहीं ना जाने क्या क्या पुरस्कार उसको दिए जाते हैं। जबकि यहां मूल इसका जो ज्ञानम का मूल अर्थ उसका है आत्मा और अनात्म विवेक, असम्मोह अर्थात व्याग्रता का अभाव, ये तीन प्रकार के भाव मेरे तत्व ज्ञान के विषय में संभावित हेतु हैं, तथापि ये तीनों साक्षात हेतु नहीं है, प्रसंग क्रम से अन्य भाव भी लोगों में देखे जाते हैं किंतु वे स्वतः ही उत्पन्न नहीं हैं। इसलिए कहते हैं क्षमा अर्थात सहिष्णुता, सत्य अर्थात यथार्थ भाषण,
यानी सत्य बोलना, सही बोलना। दमह अर्थात बाह्य इंद्रियों का निग्रह, अर्थात सम अर्थात अंतः इंद्रियों का निग्रह। दम का मतलब होता है बाह्य इंद्रियों का निग्रह और सम का मतलब होता है अंतः इंद्रियों का निग्रह। ये सभी सात्विक हैं, ये सभी सात्विक हैं। सुख सात्विक है, दुख तामसिक है। इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति को कि व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। वह प्रसन्न रहकर के वह सात्विक बना रहता है, और जब से ही वह दुख में पड़ता है, जैसे ही उसके पास दुख आता है, वह तामसिक है, वह तामस में पड़ जाता है। भवा भवौ अर्थात जन्म मृत्यु एक दुख विशेष है तथा भय तामसिक है। जन्म मृत्यु एक दुख विशेष है, जन्म भी दुख है और मृत्यु भी दुख है, दोनों को यहां पे दुख विशेष कहा जा रहा है। भय तामसिक है, ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण अभय सात्विक है। कह रहे हैं भय जो है वह क्या है, तामसिक है, लेकिन जो अभय है ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण अभय सात्विक है। शोक मोह भयापहा, ये जो भगवान की कथा है वह शोक मोह भयापहा, शोक और मोह से मुक्त कर देती है। वह शोक मोह और भय से वह मोह भय से वह मुक्त कर देती है। तो इसलिए ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण अभय जो है, अभय यह जो ज्ञान है, यह भगवत कथा है, भगवत ज्ञान है, यह ज्ञान व्यक्ति को अभय बना देता है, इसलिए यह सात्विक है, यह सात्विक है। परंतु रजोगुण से उत्पन्न होने पर यह राजसिक है, यह अगर रजोगुण से उत्पन्न है तो यह राजसिक। समता का तात्पर्य है अपने समान ही सर्वत्र समभावपूर्वक सुख दुख आदि का दर्शन करना। समता तथा अहिंसा सात्विक है। तुष्टि अर्थात संतुष्टि निरुपाधिक होने पर सात्विक और सोपाधिक होने पर राजसिक है। तपह और दान उपाधिक युक्त और उपाधि रहित होने पर क्रमशः राजसिक और सात्विक हैं। दान यदि उपाधि युक्त है तो वह राजसिक होगा, और उपाधि रहित होने पर वह सात्विक होता है। यश और अपयश को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। ये सभी मेरी माया से उत्पन्न हैं, किंतु शक्तिमान और शक्ति के अभिन्न होने के कारण इन्हें मुझसे ही उत्पन्न समझना चाहिए। ये जितना कुछ बताया जा रहा है, कह रहे हैं यह सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न समझना चाहिए। भगवान ही सबके आदि मूल कारण है। सब कुछ इस संसार में आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी है, उस सब कुछ के मूल कारण जो है वो भगवान है एवं सर्वेश्वर हैं। यहां इसका प्रतिपादन हो रहा है, जड़ चेतन सभी विषय अचिंत भेदाभेद रूप में उनसे ही संबंधित हैं। सब कुछ जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, वो सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, उसका मूल कारण भगवान है। इसलिए ये जितना कुछ बताया गया, बुद्धि है, ज्ञान है, असम्मूढ़ता है, सहिष्णुता है, सत्यवादिता है, समदम, सुख दुख, जन्म मृत्यु, देखिए यहाँ पे एक और सत्यवादिता। सत्यवादी भी व्यक्ति तभी होता है जब वह भक्ति करता है। जब वह भक्त होता है वह निर्भय होकर के बोलता है, भयमुक्त होकर के सत्य। सत्य भी बोलने के लिए व्यक्ति को निर्भय होना पड़ता है, और निर्भय तभी होगा व्यक्ति जब वह भजन करेगा, जब भगवान की कथाओं को श्रवण करेगा। शोक मोह भयापहा, जब व्यक्ति भगवान की कथाओं को श्रवण करता है उसका शोक मोह और भय सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढ़ता, सहिष्णुता, सत्यवादिता, सम हो चाहे दम हो, चाहे वो बाह्य इंद्रियों का निग्रह हो चाहे अंतः इंद्रियों का निग्रह हो, उन इंद्रियों का निग्रह व्यक्ति तभी करता है जब व्यक्ति भजन मार्ग में आता है। तब भजन मार्ग में व्यक्ति नहीं रहता है तो वो क्या कहता है, अरे कोई दिक्कत नहीं, चार दिन की जिंदगी है, मजे ले लो, नहीं तो इस दुनिया में पता नहीं फिर जीवन मिला कि ना मिला। लेकिन जब व्यक्ति भजन मार्ग में आता है तब वह अपनी प्रत्येक इंद्रियों पर वह कंट्रोल करना शुरू कर देता है। नहीं, हमें अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना है, हमें भजन में लगाना है। इसलिए सम दम, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि,
तुष्टि, तुष्टि भी तभी व्यक्ति के अंदर आती है जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है। तब जब आत्मा उसकी संतुष्ट होती है तभी व्यक्ति के अंदर संतुष्टि आती है, अन्यथा ऐसे संतुष्टि भी नहीं आती। तो जो कुछ भी है, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश प्राणियों के, ये समस्त नाना प्रकार के जो भाव हैं व्यक्ति के, ये सारे भाव हैं, यह जो नाना प्रकार के भाव हैं, भगवान कह रहे हैं ये सब जो कुछ भी है वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, वो सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ। अगला श्लोक, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मनसा जाता ये साम लोक इमा प्रजा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मनसा जाता ये साम लोक इमा प्रजा। अन्वय, सप्त महर्षयः सप्त महर्षिगण पूर्वे, उनके पूर्व के चत्वारह यानी सनकादि चार कुमार, जो सनकादि आदि चार कुमार हैं, तथा मनवह तथा स्वयंभू आदि मनुगण, स्वयंभू आदि मनुगण यानी जितने स्वयंभू मनु हुए, मदभावाह जिनका जन्म मुझसे ही हुआ, मानसाह जाताह जो मेरे मन से उत्पन्न हुए, लोके इस लोक में, इमाह ये ब्राह्मण आदि, एसाम जिनके प्रजा पुत्र पौत्र आदि हैं। यहां पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मरीचि आदि सात महर्षिगण, उनके भी पूर्व के सनकादिक जो चार लोग हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो चार लोग हैं सनकादि, चार महर्षिगण, चार ब्रह्मर्षिगण एवं स्वयंभू आदि 14 मनुगण, ये 14 जो मनु हुए, ये 14 मनुगण, इन सब की बात कर रहे हैं, सात महर्षि और चार ब्रह्मर्षि और 14 स्वयंभू मनु, ये सभी मेरे हिरण्य गर्भ रूप से मन संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए हैं। मन संकल्प मात्र से, मन के संकल्प मात्र से ये सब उत्पन्न हुए हैं, ये सब मन के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए हैं। इस जगत में ये ब्राह्मण आदि उनके ही पुत्र पौत्र या शिष्य प्रशिष्य रूप में परिपूरित हैं। कह रहे हैं ये जो ब्राह्मण आदि हैं उनके ही पुत्र पौत्र या शिष्य प्रशिष्य के रूप में हैं, उन्हीं के शिष्य प्रशिष्य रूप में हैं। इसलिए कहा जाता है कभी भी हमें ब्राह्मणों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं, हमें उनके ऊपर कभी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। वो चाहे जो कुछ भी करे, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन हमें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होता है, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, बोल करके हमें कभी भी अपराध नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि कभी संतों पर, कभी ब्राह्मणों पर कुछ मत बोलो, वो चाहे जो करे, यदि वह दारू पीकर के नाली में भी लोटा रहे तो हमें देख करके कुछ नहीं बोलना है, हमें कभी कटाक्ष नहीं करना है, कभी नहीं कटाक्ष करना है, किसी भी परिस्थिति में हमें उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना। हाँ, वो अपने कर्म के अनुसार वो बाद में सुअर बनेगा, गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, वो चाहे जो बने, लेकिन हम बोल करके अपराध क्यों कमाएं? हमें अपराध बोल करके कभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम लोग मतलब कि बहुत क्या कहते हैं, हितैषी हैं। कैसे वाले हितैषी हैं कि हम लोग बोल करके उसका हित करना चाहते हैं, करने लायक कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बोलेंगे, आपकी वो सुनेगा भी नहीं फिर भी हम बोलेंगे ना, कुछ तो दो चार बात तो बोल ही देंगे उसका, अरे मारो बेकार है, देखो ऐसा कर रहा है वैसा। हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जितने सब कुछ हैं, मरीचि आदि सप्तऋषिगण, चार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और ये 14 जो मनुगण हैं, ये सब मेरे हिरण्य गर्भ रूप से मन संकल्प मात्र से ये सब उत्पन्न हुए हैं, सब उत्पन्न हुए हैं। यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह आदि को,
अपने तत्व ज्ञान में असमर्थ बताकर तत्वतः भी इनके असामर्थ को दिखा रहे हैं। मुझसे उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे मन इत्यादि से उत्पन्न हुए थे, मरीचि आदि एवं सनकादि के पुत्र पौत्र आदि रूप में तथा शिष्य प्रशिष्य रूप में ब्राह्मण आदि संतति गण पृथ्वी में वर्तमान हैं, पृथ्वी में वर्तमान है, ऐसा कह रहे हैं। तो यहां पे 14 जो मनु हैं, 14 मनु स्वयंभू, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र सावर्णी, रौच्य देव सावर्णी, भौत्यक इंद्र सावर्णी, ये 14 मनु उत्पन्न हुए। ये 14 मनु के नाम हैं, स्वयंभू मनु। ये समस्त कृष्ण के शक्ति संभूत हिरण्य गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इनके ही वंश या शिष्य प्रशिष्य की परंपरा में ब्राह्मण आदि प्रजाएं सारे जगत में विस्तृत हुए हैं। तो यहां पे ये कृष्ण के शक्ति संभूत हिरण्यगर्भ, ये जो हिरण्यगर्भ हैं वो भगवान के शक्ति संभूत हैं, यानी भगवान के शक्ति स्वरूप हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं, अपने विभूति योग को बता रहे हैं, विभूति योग को सुना रहे हैं कि ये इस संसार में जो कुछ भी है, यहां तक कि बता दिए कि सप्तऋषि गण, 14 जो मनु हैं और 4 सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार जो हैं, ये सब जिनको आप सबसे ऊपर मानते हो, ये सब लोग हमसे ही उत्पन्न हुए, भगवान ऐसा कह रहे हैं, भगवान ऐसा कह रहे हैं। अगला श्लोक, एताम विभूतिम योगंच समयो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम विभूतिम योगंच मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अन्वय, यह मम एताम विभूतिम च योगम तत्वतः वेत्ति सह अविकल्पेन योगेन युज्यते अत्र संशयः न। यहां कह रहे हैं यह जो मम मेरी एताम इन समस्त विभूतिम च योगम विभूतियों और भक्ति योग को तत्वतः यथा यथ रूप में व्यक्ति जानते हैं, जो भी जानता है, जो जानते हैं सह वे लोग अविकल्पेन निश्चल, अविकल्पेन निश्चल योगेन तत्व ज्ञान से युज्यते युक्त होते हैं, अत्र संशय न, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरी इन समस्त विभूतियों और भक्ति योग के विषय को यथार्थ रूप में जानते हैं वे मेरे निश्चल तत्व ज्ञान द्वारा युक्त होते हैं। निश्चल यानी उसका कोई विकल्प नहीं, एकदम अडिग, निश्चित, जो कन्फर्म है, कह रहे हैं निश्चल तत्व ज्ञान द्वारा वह युक्त होता है। वह जो सत्य ज्ञान है वह सत्य ज्ञान के द्वारा युक्त होता है, जो उनका सत्य ज्ञान है यही, जो भगवत तत्व को जान लिया, भगवत तत्व ही सत्य ज्ञान है, भगवत तत्व ही सत्य ज्ञान है। तो जो मेरी इन समस्त विभूतियों और भक्ति योग के विषयों को यथार्थ रूप में जानते हैं वे मेरे निश्चल तत्व ज्ञान द्वारा युक्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, वह व्यक्ति निश्चल तत्व ज्ञान द्वारा युक्त होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहां पे कहते हैं, किंतु भक्ता भक्त्याह मेकया ग्राह्य, कह रहे हैं अर्थात एकांतिकी भक्ति द्वारा ही मैं लभ्य हूं। भगवान कह रहे हैं सब कुछ व्यक्ति जान ले, फिर भी यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जो जिसके अंदर भक्ति है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भक्त्याह मेकया ग्राह्य, एकांत की भक्ति द्वारा ही मैं लभ्य हूं,
यानी मुझे पाया जा सकता है। मेरी इस उक्ति के अनुसार मेरे अनन्य भक्तगण ही मेरी कृपा से मेरे वचनों में दृढ़ आस्तिक्य भाव धारण कर मेरे तत्व से अवगत होते हैं। ये जो भगवान का जो तत्व है ये भक्तों के द्वारा ही गेय है। जो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान कृपा उन पर करते हैं, इसलिए उनके द्वारा वह तत्व गेय होता है, वह ज्ञात होता है। क्योंकि भगवत कृपा के बिना भगवत तत्व को जानना मुश्किल है, तो इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कि वह मेरे वचनों में दृढ़ आस्तिक्य रहता है। जो भक्त है भगवान जो बोल दिए वो कन्फर्म है, जो भगवान बोल रहे वही सत्य है। भक्त जो होता है वो भगवान की बातों पे, ग्रंथों की बातों पे, शास्त्रों की बातों पे कुतर्क नहीं करता। वह दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ विश्वास रख करके उस वाक्य को विश्वास करता है, उस वाक्य पर विश्वास करता है। भगवान उस पर अतिशय प्रसन्न होते हैं, अतिशय प्रसन्न होते हैं। इसलिए कह रहे हैं दृढ़ आस्तिक के भाव धारण कर मेरे तत्व से अवगत होते हैं, वही तत्व को जान पाता है। इसलिए कहते हैं एसाम इत्यादि, जो संक्षेप में ही कथित इन विभूतियों को एवं भक्ति योग को तत्व से जानते हैं, अर्थात जो दृढ़तर आस्तिकवान होकर के ऐसा समझते हैं कि ये वचन मेरे प्रभु श्री कृष्ण के हैं। यहां कह रहे हैं कि आस्तिकवान होकर के ऐसा समझते हैं, जो व्यक्ति बहुत आस्तिक है भगवान के प्रति, जिसकी अधिक दृढ़ शक्ति है, जिनके अंदर भक्ति है, वह भक्त वह यही सोचता है। क्या सोचता है? यहां पे कह रहे हैं कि ये जो वचन बोले जा रहे हैं ये वचन मेरे प्रभु श्री कृष्ण के हैं, ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण के हैं, अतः यही परम तत्व है, यही परम तत्व है, वे मेरे निश्चल तत्व ज्ञान लक्षण योग द्वारा युक्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसको यहां पे आप कह सकते हैं अटूट विश्वास, और कह रहे हैं कि दृढ़ श्रद्धा पूर्वक, वह अटूट विश्वास होता है उनकी बातों पर, भगवान की बातों पे अटूट विश्वास होता है, और श्रद्धा पूर्वक तथा संशय रहित होकर के श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए व्यक्ति को, श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान की इस ऐश्वर्य को जान करके, ये जो बताया जा रहा है भगवान के ऐश्वर्य को जान करके अटूट विश्वास और दृढ़ श्रद्धा पूर्वक तथा संशय रहित होकर के व्यक्ति को निश्चय पूर्वक भजन करना चाहिए, उसको भजन में लगना चाहिए। क्यों करें, कैसे करें, न करें तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा हम करें भजन करें और ना हमें कुछ मिला तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें भक्त ये सब नहीं सोचता। भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं, वो मांगता ही नहीं, वो तो बच्चा बन करके वो भगवान की शरण में पड़ा रहता है। जो भी बच्चे को जरूरत होती वो भगवान उसको देते, वो भगवान उसको देते। इसलिए वह कहते हैं कि दो अवस्था ऐसी होती, एक बचपन की अवस्था और जब एक अत्यधिक बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, दोनों की अवस्था एक जैसी होती है, बच्चा और बूढ़ा एक जैसा होता है। तो दोनों परिस्थितियों में यदि देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर, जैसे बच्चा है, बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता, वह जब जन्म लेता है तो वह कुछ नहीं जानता है, उसको जबरदस्ती जोर करके यहां पर सिखाया जाता है, झूठ बोलना, चोरी करना, सब कुछ यहाँ पे, हमारा समाज ही, हमारा जो आस पड़ोस है, हम हैं, हम ही सब कुछ देते हैं बच्चों को, वो चाहे अच्छा चीज़ हो और चाहे बुरा चीज़ हो, जो कुछ भी है सब कुछ हमारे द्वारा ही उसको दिया जाता है। कितना हम दिन भर में उसको 100 बार कहते हैं, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, 1 साल के बाद बेटा कहने लगता, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं नहीं अब बिल्कुल हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, बस वो सीख जाता है, नहीं करना वो सीख जाता है। इसलिए जो कुछ भी इस संसार से मिलता है वो सब कुछ बच्चों को हमसे और आपसे ही प्राप्त होता है, और कोई दूसरा कोई नहीं देता। बच्चा तो एकदम इनोसेंट, मतलब वो कुछ नहीं जानता, ऐसा जन्म लेता है। तो इसलिए दो अवस्थाएं ऐसी होती हैं, और जब व्यक्ति एकदम बुढ़ा हो जाता है,
तब भी वह कुछ सोच समझ नहीं पाता है, वह ज्यादा चापलूसी नहीं कर पाता, ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी व्यक्ति को बुढ़ापे में जब वह उसकी अवस्था ढल जाए तो उसको भजन मार्ग में रहना चाहिए, भजन मार्ग में रहना चाहिए, तभी उसकी जो कटुता है, जो उसके अंदर कपटता है, वह उसकी कपटता जा सकती है, भजन से ही जा सकती है, क्योंकि भगवान की कृपा होती है उस पर, तभी वह हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति को अटूट विश्वास करके और श्रद्धा पूर्वक तथा संशय रहित होकर के कृष्ण का भजन करना चाहिए, अन्यथा कृष्ण की महानता को भली भांति नहीं जानने से उनके प्रति अनन्य भक्ति संभव नहीं है। कृष्ण की महानता को हमें जानना पड़ेगा, बिना कृष्ण की महानता को जाने उनके प्रति जो हमारी अनन्य भक्ति है वह हमारी अनन्य भक्ति नहीं हो पाती है। अगला श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा बुधाः भाव समन्विताः माम भजन्ते। यहां कह रहे हैं अहम मैं सर्वस्य सभी को, यानी सभी की प्रभवः उत्पत्ति का कारण हूं। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवः बुधाः। बुधा का मतलब होता है पंडितगण, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है उसी को पंडित बोला जाता है। तो यहां पे कह रहे हैं बुधा पंडितगण भाव समन्विता भाव युक्त तो होकर के मां मुझे भजन्ते भजते हैं। जो पंडित नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, वह भगवान का भजन कभी नहीं कर सकता। इसीलिए तो चेतन चरतामृत में कहा गया जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। जो कृष्ण को भजता है ना वो सबसे बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान है वही भजता है। मूर्ख लोग कभी भगवान का भजन नहीं करते हैं। कोई प्रमाण आप उठा करके देख लीजिए, आपको कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि मूर्ख ने भी कभी भजन किया। हाँ, लौकिक दृष्टि से आप जरूर उसको कह सकते हैं मूर्ख, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप उसको मूर्ख नहीं कह सकते। भौतिक दृष्टि से हम देख करके लगता है, और वैसे भी जब व्यक्ति अपने कह सकते हैं सिद्ध अवस्था में आ जाता है और जब रागानुगा भक्ति में जब वह प्रवेश कर जाता है तो वैसे भी हमारी आपकी दृष्टि से वह पागल हो जाता है। हमारी आपकी दृष्टि में वह पागल ही होता है, लेकिन वह 24 घंटे कृष्ण की लीलाओं में डूबा रहता है। और जो कृष्ण की लीलाओं में डूबा रहता है वह व्यक्ति पागल नहीं होगा तो होगा क्या? आपकी तरह वह प्रपंच में पड़ा रहेगा, प्रपंच के पीछे दौड़ता रहेगा, कभी नहीं दौड़ेगा। और जो प्रपंच के पीछे भागता है उसको हम लोग टैलेंटेड बोलते हैं। वाह, देखो कितना व्यस्त रहता है, अपने काम में लगा रहता है, कितना बुद्धिमान है, कितना अच्छा है, हम लोग कैसे बोलते हैं। लेकिन भजन करने वालों को हम लोग मूर्ख मानते हैं, मूर्ख समझते हैं उनको। तो यहां पे कह रहे हैं कि मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभवः मैं सबके उत्पत्ति का कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभवः मैं सबके उत्पत्ति का कारण हूं। मुझसे ही सभी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, मुझसे ही सभी लोग कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, सभी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार समझकर पंडितगण भावयुक्त होकर के मुझे भजते हैं। इस प्रकार समझ करके जो पंडित, जो ज्ञानी लोग हैं वह भगवान के भजन में नियुक्त होते हैं, वह भगवान के भजन में लगते हैं, भगवान का भजन करते हैं। क्योंकि ये जो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके उत्पत्ति का कारण हूं, जो कुछ भी पैदा हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, वो सबके उत्पत्ति का कारण
में प्रवृत्त होते हैं, मुझसे ही सभी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। यानी भगवान को छोड़ करके यहां पे कोई सत्ता नहीं है, कोई सत्ता नहीं भगवान को छोड़ करके। जो कुछ भी है वह सब कुछ भगवत सत्ता के अधीन है, वह सब कुछ भगवत सत्ता के अधीन है। तो यहां पे और जो पंडित गण हैं वही भावयुक्त होकर के भगवान का भजन करते हैं, वही भगवान का भजन करते हैं। यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीका करते हुए कहते हैं, इनमें से महेश्वर्य लक्षण युक्त विभूति को बताते हुए कहते हैं कि मैं प्राकृत और अप्राकृत वस्तु मात्र का प्रभाव अर्थात प्रादुर्भाव उत्पत्ति का कारण हूं। वह चाहे प्राकृत हो और चाहे अप्राकृत हो, प्राकृत के भी उत्पत्ति के कारण है और अप्राकृत के भी उत्पत्ति के कारण है, दोनों के कारण है। अंतर्यामी स्वरूप मुझसे ही समस्त जगत कार्यरत होता है। कह रहे हैं कि अंतर्यामी रूप मुझसे ही समस्त जगत कार्यरत होता है। अगर आपके अंदर कोई कार्य करने की इच्छा पैदा होती है तो वह अंतर्यामी रूप से भगवान कृष्ण के द्वारा ही होती है, उन्हीं के द्वारा होती है। कह रहे हैं अंतर्यामी स्वरूप से मुझसे ही समस्त जगत कार्यरत होता है एवं नारद आदि अवतार के रूप में मुझसे ही सभी भक्ति ज्ञान तप कर्म आदि साधन तथा उसके साध्य में प्रवृत्त होते हैं। कह रहे हैं कि जो नारद आदि हैं, नारद आदि अवतार के रूप में मुझसे ही सभी भक्ति ज्ञान तप कर्म आदि साधन तथा उसके साध्य में प्रवृत्त होते हैं। यदि कोई भक्ति में भी प्रवृत्त होता है, ज्ञान में प्रवृत्त होता है, तप में प्रवृत्त होता है, कर्म में प्रवृत्त होता है, तो कह रहे हैं भगवान कि वह हमारे द्वारा ही होता है। कह रहे हैं उसके साध्य में प्रवृत्त होते हैं। यानी इस संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ भगवान के अंडर में है। तो पहले भगवान से पहले हमें परमिशन लेना पड़ेगा, भगवान की इच्छा के बगैर हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और जो कुछ भी है वह आप अपने प्रारब्ध के अनुसार तो हम करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना कि हमारा पूर्व का प्रारब्ध कैसा था, तो हमको कराएगा कौन ये सब। अगर हम पूर्वजन्म में बहुत पाप किए हैं तो भोगाएगा कौन, हमें दंड हमें देगा कौन, हमारे अंदर से ही वह प्रेरणा आएगी। तो जो कुछ भी होता है वह सब कुछ भगवान के माध्यम से ही होता है। और जो कुछ भी भक्ति ज्ञान तप कर्म आदि साधन है तथा उसके साध्य में प्रवृत्त होते हैं। एकांतिक भक्ति योग का लक्षण बताते हुए श्री भगवान कहते हैं इति मत्वा इत्यादि, अर्थात इस प्रकार आस्तिक्य ज्ञान द्वारा निश्चय कर दास्य सख्य आदि भावों से युक्त होकर के भजन करने वाले पंडित हैं। पंडित कौन है? कह रहे हैं कि आस्तिक्य ज्ञान द्वारा, नास्तिक ज्ञान नहीं, आजकल ज्यादा नास्तिक ज्ञान है। यहां कह रहे हैं कि आस्तिक ज्ञान द्वारा निश्चय कर दास्य सख्य आदि भावों से युक्त होकर के। कोई दास नहीं बनना चाहता, कोई भी दास नहीं बनना चाहता, लेकिन यहां कह रहे हैं निश्चय कर दास्य सख्य आदि भावों से युक्त होकर के भजन करने वाला पंडित होता है, पंडित होता है। दास्य और सख्य आदि ये जो नवधा भक्ति के लक्षण हैं उनमें कह रहे हैं कि उन भावों से युक्त होकर के भजन करने वाले पंडित हैं, वही लोग बुद्धिमान हैं, यानी वही लोग ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण प्राकृत एवं अप्राकृत जगत के मूल हैं, तत्वविद वैष्णवों की कृपा और उनके उपदेशों से निसंदेह रूप में इस प्रकार का तत्वज्ञान संभव है। वैष्णवों की कृपा और उनके उपदेशों से निसंदेह रूप में इस प्रकार का तत्वज्ञान संभव है। ऐसे तत्वज्ञान के द्वारा ही साधुओं का चित्त शुद्ध भगवत भक्ति में स्थिर होता है। तत्वज्ञान के द्वारा ही साधुओं का जो चित्त है, अगर तत्वज्ञान नहीं है तो साधुओं का जो चित्त है वह भगवत भक्ति में स्थिर नहीं होगा। भगवत भक्ति में स्थिर तभी होगा जब तत्वज्ञान उनके अंदर हो। तत्वज्ञान के द्वारा ही उनका चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होकर के भगवत भक्ति में स्थिर होता है, क्योंकि चित्त का शुद्ध होना भक्ति के लिए अनिवार्य है।
यदि चित्त अभी हमारा शुद्ध नहीं हुआ है तो ये जान लीजिए कि भगवत भक्ति में हम स्थिर नहीं हो सकते। कभी इनका करते हैं, कभी उनका करते हैं, कभी उनका करते हैं, थोड़ा सा ये व्रत करते हैं, थोड़ा सा वो व्रत करते हैं, कभी विश्वास ही नहीं है एक पर ना, कहीं से भी काम बन जाए ऐसा लोग करते हैं तो वो स्थिर नहीं होते। आधुनिक कपोल कल्पित भक्ति रहित टीकाओं अथवा तत्व ज्ञानहीन तथा कथित भ्रांत गुरु या भक्त नामाधारी व्यक्तियों के उपदेश या संग से शुद्ध तत्व ज्ञान संभव नहीं है। शुद्ध ज्ञान किससे संभव है? वैष्णवों की कृपा से शुद्ध ज्ञान संभव है, लेकिन आधुनिक जो आज के डेट में कपोल कल्पित भक्ति रहित जो काल्पनिक बातें करते हैं, कपोल कल्पित बातें करते हैं, कह रहे हैं भक्ति रहित टीकाओं को करते हैं, जिनकी जो लिखते तो हैं लेकिन उनकी लेखनी में भक्ति नहीं दिखाई पड़ती है, दृष्टि नहीं दिखती है, कह रहे हैं भक्ति रहित टीकाओं अथवा तत्व ज्ञानहीन, कह रहे हैं उनके लेखनी में तत्व ज्ञान है ही नहीं, तत्व ज्ञानहीन केवल ऊपर ऊपर से केवल लिखे चले जा रहे हैं, मतलब कि अफवाह जिसको बोलते हैं, भक्ति कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं वो कुछ नहीं, और ये सब पढ़ने में व्यक्ति को बड़ा इंटरेस्ट आता है। अच्छा देखो तभी हम कह रहे थे कि भगवान नहीं है, लेकिन ये फालतू में ये लोग भजन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो जो लिखा हुआ उसमें भक्ति नहीं दर्शाई गई है, इसलिए हमें वो सब चीजें जो मन करता है जो ही उठा करके पढ़ना शुरू कर देता है। अच्छा देखो आप यहां पे तो ये लिखा है, अब बताओ यहां पे ये लिखा है, जो दुनिया भर की चीजें उठाकर को पढ़ना शुरू, जो ही किताब मिली उनको ये पता नहीं है कि यह प्रमाणित ग्रंथ है कि नहीं है, उनसे उससे मतलब नहीं, बस किताब छप के आ गई, बस उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और आजकल लोग तो फ्री में बांट रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो किताबों को छपवा करके फ्री में बांट रही हैं कि तुम पढ़ो, और हम लोग मूर्ख, हम लोग उन किताबों को लेकर के पढ़ते हैं और पढ़ करके भ्रमित होते हैं। तो हमें ऐसी चीजों से हमेशा हमें बचना पड़ेगा। इसलिए यहां पे कह रहे हैं तत्व ज्ञानहीन तथा कथित भ्रांत गुरुओं के द्वारा जो लिखी जाती हैं किताबें, जो कह रहे हैं भक्त नामाधारी व्यक्तियों के उपदेश या संग से शुद्ध तत्व ज्ञान संभव नहीं है। ऐसे नामाधारी व्यक्तियों के उपदेश या संग से कभी भी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। शुद्ध ज्ञान इनके पास बिल्कुल नहीं है, शुद्ध ज्ञान केवल वैष्णवों के पास है, और वो भी भगवान कृष्ण की कृपा से उनके पास है, कृष्ण की कृपा होने के कारण उनके पास यह शुद्ध ज्ञान है। लेकिन ये तथाकथित लोग जो अपोल कपोल की बातें करते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें ऐसे राइटरों से, ऐसे लेखकों से हमें बचना चाहिए, ऐसे जो किताबें हैं उन किताबों से हमें बचना चाहिए। अरे भाई पहले आपके पास इतनी प्रमाणित ग्रंथ हैं, पहले उन प्रमाणित ग्रंथों को तो पढ़ लो, प्रमाणित ग्रंथों को पढ़ने के बाद आप चाहे जितनी किताबों को पढ़ना, लेकिन सबसे पहले आप अपने प्रमाणित ग्रंथों को, गीता को पढ़ लो, भागवत को पढ़ लो, चेतन चरितामृत को पढ़ लो, कम से कम इतना तो पढ़ लो, इतना ही नहीं पढ़ पाओगे। जो प्रभुपाद जी ने लिखा भागवत को 18 कैंटों को, वही आप पूरा पढ़ लो, वही पूरा आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन हम छोटी छोटी किताबें जो आज के तथाकथित गुरुओं के द्वारा जो लिखी गई हैं, लिख करके फ्री में बांटी जा रही हैं, और वहां पे एड्रेस भी दिया जा रहा है, आप अपना पिन कोड मोबाइल नंबर आप अपना भेजें, आपको हम कोरियर कर देंगे फ्री में, बताओ आप इतना पैसा कौन खर्च करता है? पैसा खर्च कर करके तो लोगों को हमारे देश में भगवान बना दिया गया, पैसे दे करके मूर्तियां बैठा दी जाती हैं, पैसे दे करके क्या नहीं हो रहा है, पैसे दे करके प्रचार कर रहे हैं लोग, वहां पे शुद्ध ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, शुद्ध ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी शास्त्रगत प्रमाण नहीं है। अब जैसे अभी कुछ दिन, अभी ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, जब ये साईं बाबा की जब पूजा शुरू हुई, तो साईं बाबा की जब पूजा शुरू हुई तो पैसे देकर के इनकी मूर्तियों को स्थापित करवाया जा रहा था, और आज भी करवाया जा रहा है, तो ये सब क्या है?
जिनका कोई शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी उन सारी चीजों को हम देखते हैं, उन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें इन सारी चीजों से सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं तत्व ज्ञानहीन तथा कथित भ्रांत गुरु, जो भ्रांत गुरु हैं या भक्त नामाधारी व्यक्तियों का उपदेश या संग से शुद्ध तत्व ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है। क्योंकि यह जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान तो भगवत कृपा से प्राप्त होता है ना, तत्व ज्ञान भगवत कृपा से प्राप्त होता है, और जिनके ऊपर भगवत कृपा नहीं है उनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। इसलिए ऊपर बोला गया वैष्णवों की कृपा से ही यह तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वैष्णवों के पास तत्व ज्ञान है, क्योंकि उन पर भगवत कृपा है, भगवत कृपा से उनके अंदर तत्व ज्ञान होता है। इसलिए हमें ये जो बहुत तथाकथित किताबें हमें प्राप्त होती हैं, ऐसी किताबों को हमें पढ़ करके भ्रमित नहीं होना चाहिए। और प्रायः ऐसे ही भ्रांतियां फैलती हैं, हमने तो फलाना किताब में पढ़ा था, अब बताओ फलाना किताब में तो आप पढ़ लिए और दूसरे का माथा खाओगे आप, तो आप कहां पढ़ रहे हो? पहले आप ये देखो कि आप कहां पढ़ रहे हो। आप गीता में पढ़े, आप भागवत में पढ़े, आप कहां पढ़े? इसलिए हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये देखिए केवल भ्रमित करने के ये सब उपाय हैं। और हमारे समाज में आज धर्म में कोई व्यक्ति बढ़ना यदि चाहे तो उसको अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। क्योंकि जब वह भक्ति में बढ़ना चाहता है तो उसके पास अनेक प्रकार की किताबें छोटी छोटी आना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी पत्रिकाएं आना शुरू होती हैं, तो वह सोचता है हम पढ़ करके ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन वह पढ़ करके ज्ञानी तो हो नहीं पाता, वह पढ़ करके भ्रमित जरूर हो जाता है। वह जितना भक्ति करता रहता है वह अपनी भक्ति से भी च्युत हो जाता है, अपनी भक्ति से भी चला जाता है। इसलिए भ्रांत गुरु या भक्त नामाधारी भक्तों के व्यक्तियों के उपदेश या संग से शुद्ध ज्ञान संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदर्ष्टा स्वयं दृग् विशेषण नारायण परो देवस तस्माद् जातस चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो भवद्देव सच सर्व ज्ञताम गतः। कह रहे हैं अर्थात नारायण ही परम देव हैं, उनसे ही ब्रह्मा रुद्र आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, वे नारायण ही सर्वज्ञ हैं, ये नारायण कृष्ण के वैभव विलास हैं। अन्यत्र वेदों में भी कृष्ण को देवकी पुत्र बताया गया है, ब्राह्मणयो देवकी पुत्राः इति कहा गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और हमें बहुत सोच समझ करके अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें बचना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप खुद प्रूफ नहीं कर पाओगे, खुद प्रूफ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें जितना हो सके, हमें सबसे पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ मत पढ़िए या पढ़ना बंद कर दी, लेकिन पहले जो प्रमाणित ग्रंथ हैं, गीता भागवत आदि जो कुछ प्रमाणित ग्रंथ हैं, जो हमारे हमारे वैष्णवों के द्वारा, हमारे गौड़ी आचार्यों के द्वारा, हमारे षड गोस्वामियों के द्वारा इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं कि आपकी पूरा आपका पूरा जीवन बीत जाएगा फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे, फिर भी आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे, तो फिर बताओ हम अपने गौड़ीय परंपरा के जो हमारे ग्रंथ जो प्रकाशित हुए हैं, जो हमारे सिद्धांत जिसमें दिए गए हैं, जो सिद्धांत परक जो शास्त्र हैं, हम उनको न पढ़ करके हम ऐसे मतलब कि उलूल जुलूल की चीज़ों को पढ़ते हैं, और पढ़ करके हम केवल भ्रमित होते हैं। फलाना जगह तो ये लिखा है, आप ये बता रहे हैं, ये ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है, हमने देखा था ट्रेन में एक लोग चाय पिला रहे थे ठाकुर जी को, तो इसका मतलब चाय भोग लगता है, आप तो कहते हैं चाय नहीं पिलाना चाहिए, चाय भोग नहीं लगता, तो ये सब चाय चीजें क्या है? हमने तो वहां गए थे तो हम देखे थे ऐसा होता है। हमें इस संसार में बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हमें आंख कहां खोलना है? हमें आंख अपने ग्रंथों पर खोलना है, हमें बाहर आंख बंद करके रहना पड़ेगा।
बाहर आपको केवल भ्रमित करने वाली चीजें ही दिखाई देंगी, आपको सतमार्ग पर ले जाने वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी। इसलिए सतमार्ग पर जो ले जाता है, हमारी गीता भागवत जो हमारे प्रमाणित ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ ही हमें सतमार्ग पर ले जाते हैं। इन्हीं पर हमें अपनी दृष्टि को रखना चाहिए, अन्यत्र हमें अपनी दृष्टि नहीं रखना चाहिए। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, कोई किस प्रकार से सेवा कर रहा है, कोई किस प्रकार से सेवा कर रहा है, हम कितना देख करके भ्रमित होंगे। तो ये केवल एक भ्रम का कारण है और कुछ भी नहीं। इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें जहां से हो सके हमें इन सब सारी चीजों से बचना है, और अपने जो प्रमाणित जो ग्रंथ हैं हमें उन ग्रंथों को पहले पढ़ना है। इन प्रमाणित ग्रंथों को पढ़ने के बाद, अपने सिद्धांत को जानने के बाद, अपनी फिलॉसफी को जानने के बाद, उसके बाद आप चाहे कुछ भी पढ़ो, आपको खुद आप जान पाओगे कि हाँ ये चीजें कहां तक सही हैं, कहां तक गलत हैं। तो ये रहा, इसलिए यहां पे कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, जो कुछ भी है उस सबकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं और मुझसे ही सभी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार समझकर पंडित गण भावयुक्त होकर मुझे भजते हैं। तो जो बुद्धिमान है वही भगवान का भजन करता है। जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति, कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई मूर्ख भी भगवान का भजन कर रहा है, कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वह परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ होता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ वही है जो भगवान के चरणों में रति मति जिसकी है, वही श्रेष्ठ है और वही पूज्य है। क्योंकि इस संसार में अभी हम लोग कल की क्लास में या परसों की क्लास में हम लोगों ने श्रवण किया है कि जो भक्त है वो सबका पूज्य है, जो भक्त है वो सबका पूज्य है। तो इसलिए हम लोगों को ज्ञानी नहीं, हम लोगों को भक्त बनना है और भक्त बन करके ही हम लोग भगवत तत्व को जान पाएंगे। क्योंकि भगवान की कृपा से ही भगवत तत्व हमको प्राप्त होता है, भगवत तत्व का ज्ञान हमको मिलता है। तो आज की श्रीमद् भगवद गीता की क्लास यहीं पर विराम ले रही है और कल हम लोग पुनः अपने ठीक अपने समय से 11:30 बजे पुनः अपनी क्रमागत श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में उपस्थित होंगे। तो आज की कथा बस इतना ही, कल पुनः हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।